आज हम आए हैं जलगांव जिले के भुसावल तहसील के वरंगाव शहर में। वरंगाव शहर यूँ तो जाना जाता है पूरे हिंदुस्तान में ऑर्डनेंस फैक्ट्री के लिए, लेकिन वरंगाव के साथ एक बहुत ही दुर्दैवी पहचान आज जुड़ चुकी है। वरंगाव के लगभग 90 भाविक अयोध्या मंदिर और साथ ही में नेपाल दर्शन के लिए गए थे, लेकिन एक बहुत ही बुरी ट्रेजिडी हुई जिसके अंदर लगभग 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। वरंगाव यू तो हमारा ही शहर है, अपना शहर है, लेकिन इससे पहले वरंगाव शहर को इतना उदास, इतना दुखी कभी नहीं देखा गया। चाहे जावड़े परिवार हो, चाहे सरोदे परिवार हो, चाहे पाटिल परिवार हो, बूंदे परिवार हो, ऐसे ना जाने कितने परिवार है जिसके कई सदस्य एक ही समय पर अपने प्राण गंवा बैठे। आज उनके पार्थिव वरंगाव फिर से लाए जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत ही दुखद वातावरण यहाँ पर वरंगाव में है। सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब उनके नातेवाईकों के, परिजनों के, मित्रों के पार्थिव शरीर यहाँ पर लाए जाएंगे, कब उनके ऊपर अंत्य संस्कार होगा। पूरा गांव, पूरा शहर इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है। बहुत ही दुख का वातावरण है, सभी के चेहरों पर बहुत उदासी है, दुख है। और जलगांव शहर के, इन तालुके के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इतने सारे लोग एक साथ अपने प्राण गंवा बैठे हैं, वो भी ऐसे समय जब वो साक्षात देव दर्शन के लिए गए थे। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले के आगे किसकी चली है। एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, शोकांतिका हुई है, और आज वरंगाव दुख में, गम में, शोक में डूबा हुआ। सर, जो बंदा आहे त्या बंदाबाबत कोर्टाने या ठिकाणी दिलेला आहे की बंदा कोर्टाने निर्णय दिला, लोकभावना समजून न घेता, पब्लिक क्राय, हा बंद काही आमच्या खासगी कामासाठी केलेला नाही की आम्हाला गौतम अडाणी प्रमाणे टेंडर मिळावं, ठेका मिळावा, जमिनी मिळाव्या।